Exercise 1.3, question number 1. Let if possible under root 5 is rational. उसने पूछा prove that under root 5 is irrational. तो ठीक है भाई, हम ये मान लेते हैं कि अगर ये संभव है कि under root 5 rational है, तो under root 5 rational हमने मान लिया. और अगर under root 5 rational होगा, तो under root 5 p by q की form में होगा. और p by q हमने इस हिसाब से माना कि P and Q are co-prime. Co-prime मतलब उनकी shortest form, उनकी simplest form. जैसे 26 upon 39 है, तो उसको मैं 13 से काट दूं तो 2 upon 3 आ जाता है. तो 2 upon 3 माना हमने, 26 upon 39 नहीं माना. यानी कि जिनका HCF 1 हो, highest common factor जिनका 1 हो, वो number co-prime numbers कहलाते हैं. तो under root 5 को मैंने p by q की फॉर्म में मान लिया. और ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है जीरो नहीं होना चाहिए. तो under root 5 जो है वो p by q की फॉर्म में मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p is equal to root 5 q. अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो p square is equal to 5 q square. अब 5 मल्टीप्लाई कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये p square जो है 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 के टेबल में आ रहा है. 5 मल्टीप्लाई कुछ होगा तो 5 के टेबल में आएगा, तो इसलिए p square is divisible by 5. अब एक थ्योरम है कि अगर कोई p स्क्वायर या a स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, तो वो a भी उससे डिवाइड होगा. यानी कि p स्क्वायर अगर इस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो p भी इस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा. यानी p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. p इज इक्वल टू, अब देखिए, p अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 के टेबल में आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई कुछ, तो p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कुछ, कुछ मैंने मान लिया r. ऐसा हमने कह दिया कि p जो है 5 into कुछ, यानी 5 into r. p is equal to 5 r हो गया. दोनों तरफ फिर से स्क्वायर किया तो p square जो है 25 r square हो गया है. अब देखिए, ये फर्स्ट था p square था 5 q square, और p square है 25 r square. तो from first and third 5 q square, देखिए ये भी p square था, ये भी p square था, तो इसके जो right hand side है वो भी बराबर होंगे. यानी कि 5 q square जो है वो 25 r square के इक्वल हो गया. तो 5 q square is equal to 25 r square, 5 upon में गया, तो q square जो है वो 5 r square आ गया. इसका मतलब 5 multiply कुछ है, तो इसका मतलब q square जो है वो 5 के टेबल में आ रहा है, तो q square is divisible by 5. और अभी अभी मैंने बताया थ्योरम जो यहाँ यूज हुई, वही थ्योरम यहाँ यूज हो जाएगी. अगर q square 5 से डिविजिबल है, तो q भी 5 से डिविजिबल होगा. इसे मैंने मान लिया 4. फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, देखिए सेकेंड क्या कह रहा है कि p जो है 5 से डिविजिबल है, और फोर्थ कह रहा है कि q भी 5 से डिविजिबल है. तो p और q दोनों, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ, p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 5. दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हो गए. लेकिन हमने तो क्या कहा था कि जो है p और q क्या है, co-prime. co-prime मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है. लेकिन हमारा तो कॉमन फैक्टर 5 आ गया, कि दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इस बात को काट देता है, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर co-prime. ये इस बात को काट गया कि ये co-prime हैं, जबकि co-prime होने के बाद फिर वो किसी की 1 के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आ रहे दोनों आपस में. co-prime हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाता है, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर 5 आ गया, जो कि 1 से बड़ा है. इसलिए ये बात गलत हो गई. सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग. इसलिए अंडर रूट 5 जो हमने माना था वो गलत हुआ. माना क्या था, अंडर रूट 5 इज रेशनल, इसलिए अंडर रूट 5 क्या आ गया, इरेशनल, हेंस प्रूव्ड. सेकंड क्वेश्चन में कहता है लेट इफ 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल है, ये प्रूव करना है. देखिए यहां तो ये प्योर नंबर था, इरेशनल नंबर, लेकिन इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो गया और फिर 3 भी जुड़ गया इसमें, ठीक है. तो लेट इफ पॉसिबल 3 प्लस 2 रूट 5, इस तरह के सवाल कैसे करते हैं. इसको p by q के फॉर्म में मान लिया, वही co-prime integers and q is not equal to 0. अब इस सवाल में क्या करेंगे, 3 माइनस में चला गया उधर और 2 अपॉन में चला गया. तो p, जब हम इसका LCM लेते हैं तो 2 q LCM आया था, p minus 3 q और 2 अपॉन में चला गया. तो ये जो पार्ट है p minus 3 q upon 2 q, ये रेशनल हो गया, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर, और q जो है 0 है नहीं, तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर हो गया. लेकिन ये तो इसके इक्वल है, और जब ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये भी फिर रेशनल हो गया, और ये रेशनल हमने कह दिया. लेकिन सच्चाई क्या है, अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल है. बट इट इज द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग. इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव.